हेलो दोस्तों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास टेंथ की, जो आज 18 फरवरी है। 18 फरवरी को आज मैथ का सेकेंड सेटिंग में जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एग्जाम हुआ है, इसी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर की के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि 110% आपका करेक्ट आंसर इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सेक थीटा, ज्यादा डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1/cos थीटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थ्री, इसका कितना ऑप्शन हो जाएगा, 3 cos थीटा = 2। तो इसका जो वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू आपका कितना जाएगा, तो 0 आ जाएगा। एक ऑप्शन फर्स्ट होगा सेकंड के लिए। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसी घटना ई की घटित होने की प्रायिकता पी हो, तो निम्नलिखित में कौन सी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ये आपका ऑप्शन है घटना की प्रायिकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 के बारे में देखते हैं। दिले है बहुपद x²-2x-3 के शून्य कौन से होंगे। तो इसका शून्य आप लोग निकालिएगा, तो 3 - 1 आपका आंसर है। ऑप्शन इसका बी होगा, 4 का। आप लोग का सेट जो अलग अलग है, आप लोग क्वेश्चंस देखकर अपना सेट को बता सकते हैं कि आपका कितना सही है कितना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, क्या है, 5 है क्वेश्चन नंबर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा उसकी कितनी बिंदु। इसका जो आंसर होगा कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई उसकी भूमि पर समान छाया बनाती है, तो उसका उन्नयन कोण कितना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगा उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, यदि ए और बी दो न्यून कोण हो, तो sin A = cos B = तो A + B का वैल्यू कितना होगा। तो आपका 90 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं sin 90 - θ या cos 90 - θ sin θ और दूसरी प्रकार के फॉर्मूला से इसको हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्या है, बिंदु 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी कितना होगा। तो उसको आप लोग निकालिएगा, तो रूट अंडर आपका कितना आने वाला है, 20 आने वाला है, जिसको हम लोग रूट से बाहर करते हैं, 2√5 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 2√5 आंसर राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है और उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो इसकी आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो 5:12 होगा इसका आयतनों का अनुपात, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 10 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 1, 4, 1, 4, x, 5 तथा 12 का माध्य कितना है, 7 है, तो x का मान आपको इसमें से निकालनी है। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन कितना आने वाला है, 13 आने वाला है, आप लोग बना के देखे होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक कितना होगा। तो इसका बहुलक कितना होगा, तो इसका बहुलक 2 होने वाला है। बहुत ही राइट, एकदम करेक्ट करेक्ट आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपकी कितनी सही कितनी गलत बनाए उसको आपको अंदाजा हो सके कि आप कितना मार्क्स आने वाला है मैथ्स में ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि संख्या जो दिले है 2x - 1, 3x + 2 और 6x - 1, इसकी x का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन को आप लोग इसका कितना आंसर मारे है, इस राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, यदि द्विघात समीकरण आपको दिले है px² + 4x + 3 = 0, तो मूल्य की क्या बराबर होगी। तो इसका आपको आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर 4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 2 संख्याओं का मौसा कितना हो जाएगा। 2 संख्याओं का मौसा होता है 1 होता है, कोई भी 2 संख्या उसका मौसा निकालेगा तो आपको 1 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बिंदु दे रहा है, बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु की दूरी। तो मूल बिंदु के लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, √x² + y² इसी प्रकार इसको करेंगे, तो रूट अंडर हमारा कितना आएगा, तो रूट अंडर 13, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, क्या है, tan 30° sin 30° cot 60° और sec 30° का वैल्यू कितना हो, इसको निकालेगा तो 1/3 आएगा, एकदम राइट आंसर है। क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 216 है, तो उसका आयतन भी सेम ही होगा, 216 cm³ होगा इसका आयतन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, एकदम राइट करेक्ट आंसर है एकदम 18 नंबर। 19 नंबर क्या है, समान ऊंचाई वाले 2 बेलन का आयतन का अनुपात कितना है, 9:16 है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का इसका तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले आयतन है तो इसका 3:4 इसका हम लोग भुजा निकालेंगे, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर देंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πh, तो इसका ऑप्शन ही 3:4 हो जाएगा, ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि पी 5.6 और a 6.5 और इसका जो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कितना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 के देखते हैं, क्या है 21 नंबर, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की आधार बी दिले है, उसका भुजा ए दिया है, तो इसका क्षेत्रफल कह रहा है, तो इसका राइट क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, b/4√4a² - b² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, यदि समीकरण आपको जो दिया गया है इसमें अद्वितीय हल है, तो इसका जो ऑप्शन होगा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, k = -6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है,
क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री, जहां आपका 45 डिग्री का बात होगा इसमें आपको उसकी लंबाई पूछा जाएगा, तो जितना इसकी ऊंचाई मीनार की ऊंचाई दिया रहेगा उतना ही उसकी छाया का लंबाई बनेगा, 10 मीटर ही बनेगा इसका, ऑप्शन इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, क्या है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर खींची गई जो स्पर्श इसमें रेखा है 4 सेंटीमीटर है तो इसकी बीच वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों को एक एक की संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, तो अगर जो दो पासा है तो इसका कीजिएगा, तो दो पासा के तो इसका ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगा, 1/6 होगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसका राइट आंसर भी आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या है, 21, 18 और 15 में कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका आठवां पद सी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, आठवां पद शून्य होगा। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदुओं के एक्स अक्ष क्या कहलाती है, उसका भुज कहलाती है, आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 नंबर, बहुपद 2-x × x-1 के शून्यक कितना होगा, तो इसका शून्यक ए वाला हो जाएगा, -2 इसका शून्यक होने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसका शून्यक हो जाएगा कितना, नहीं राइट आंसर इसका फर्स्ट ही ऑप्शन होगा, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में, तो इसका दो ऑप्शन हो रहा है, फर्स्ट वाला भी हो रहा है आपका, सेकंड वाला भी, दोनों आपका एपी में हो रहा है, इसका राइट आंसर जो आप मारे होइएगा अपना देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, निम्नलिखित में कौन से बहुपद में नहीं है, तो बहुपद में आपको अपॉन में कोई भी संख्या आपको बहुपद में नहीं होता है, बहुपद का घात कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और p/q के रूप में नहीं होनी चाहिए बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 31 है, के किस मान के लिए समीकरण जो दिया गया है इसका अनगिनत हल है, तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में, नहीं तो हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन इसका जो 31 का राइट आंसर है फर्स्ट वाला होगा, -2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, समानांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का मध्य पद क्या होगा, इसका जो मध्य वाला पद होगा इसका आंसर क्या होगा, और इस क्वेश्चन का थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, चाहे नेक्स्ट वीडियो में इसका जो क्वेश्चन फंस रहा है उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोल्यूशन के साथ इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, क्या है, बिंदु 6, -5 के भुज क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट होगा, 6 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, sec² 60 - 1 का मान कितना होगा, तो इसका वैल्यू ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, क्वेश्चन नंबर क्या है 35 नंबर, x² + 5x + 8 के शून्य है, तो α+β का वैल्यू, α+β क्या होता है, -b/a होता है, तो -b/a तो -8 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन -8 हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 इसका क्वेश्चन है, ये 5005 के आभास गुणनखंड है, तो किसका आभास गुणनखंड है, या तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसका आभास गुणनखंड 4 को होता है, 4 आभास गुणनखंड होता है। क्या आपका क्वेश्चन नंबर है 35, आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, 1 tan² θ / 1 cot² θ, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, tan² ही थीटा इसका आएगा, tan² ही आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना है, 21 सेंटीमीटर, तो इसके द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका ऑप्शन हो, तो इसका ऑप्शन इसका निकालिएगा, तो 231 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर क्या है 39, क्वेश्चन नंबर इसके है, बिंदु कह रहा है, बिंदु 3, 2 और -3, दोनों अव्यवस्थित है, तो अव्यवस्थित इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग इसका जो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 जो इक्वेशन दिया गया इसका जो वैल्यू निकालना है, इसका जो ऑप्शन है जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, -2 और 5 हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है क्या 41 नंबर, क्वेश्चन क्या है, tan 49° और अपॉन cot 41, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसका राइट आंसर एक बार आपका 1 ही हो जाएगा राइट आंसर एक बार। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समानांतर श्रेणी दिया है 2, 7, 12, 17 के लिए, 1, 30 और माइनस करके इसका जो मान है, इसका मान हम लोग निकालते हैं, इसका जो मान निकालिएगा, तो ये 30 को हम लोग क्या लिख सकते थे, ये 30 को, सॉरी ये देखिएगा, ये जो 30 है इसको a+29d लिख सकते थे, और इसको माइनस कीजिएगा तो a और k कट जाएगा, और 29d - 19d आपका आएगा, तो d में d का वैल्यू कितना है 5 से, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आपका आंसर निकालेगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 की तरफ देखते हैं, कितने 42 में क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्य को जो निकालना है, शून्य को बताना है, तो इसका राइट वाला आंसर जो हो जाएगा ना, राइट वाला आंसर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है, सॉरी थोड़ी सी परेशानी होगी जिसके कारण, सॉरी
इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका बी हो जाएगा ऑप्शन, -4.3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी कितनी दो अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित है, दो अंक की कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है, तो ऐसी 30 संख्या जो 3 से विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है साइन ए का वैल्यू 8/15 है, तो कोट ए का वैल्यू निकालना है, तो आप लोग निकालिए तो 15/8 आएगा, ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोट 90-3 डायरेक्ट आपका है टेन थीटा, ऑप्शन इसका बी होगा। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है cosec थीटा इज इक्वल टू √10 है, तो इसमें आपको निकालना है sec थीटा का वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, 3/√10 हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं क्या है, जो दिया गया है इसमें कि अब डायरेक्ट आपका फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला x1+x2/2 होता है, y1+y2/2, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, दो भिन्न त्रिज्याओं वृत्त हमेशा क्या होते, तो ये आपको थोड़ी सी समझ क्वेश्चन नहीं ठीक से, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा, तो दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, समरूप और सर्वांगसम दोनों इसका सी हो जाएगा, 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोग कितना मारिएगा, तो ऑप्शन इसका कितना होगा, 128 सेंटीमीटर² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और DEF में AB = DE दे रहे, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर एंगल ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 की तरफ देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 53 क्या है, यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, इसको इसका जो राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, देखिए थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग देखेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है, जो आपका क्वेश्चन है, इसका कहना है दो संख्या का गुणनफल दे ले, इसका मौसा दिया है, तो इसका क्या निकालना है, तो लॉसा निकालना है, तो इसका लॉसा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 510 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन दे रहा है 6, 8 और 22 का लॉसा और मौसा का अनुपात आपको निकालना, इसका जो राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा 132:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने के प्रति, सम संख्या 3 ही आते हैं, 2, 4 और 6 आते हैं, तो ये पूरा 3 होगा, 3/6 होगा, तो काटेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 1/1 कितना हो जाएगा, 3/6 है, तो 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन इसका फर्स्ट डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, क्वेश्चन नंबर लास्ट ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, चित्र BC पैरेलल टू DC जो दिया गया है, इसमें से आपको निकालना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव एकदम 100% राइट आंसर है, जो आप लोगों का क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन रह गया उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको फुल डिस्कस के साथ बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा से पूरा शेयर कीजिए, क्योंकि एकदम 110% आपका राइट आंसर आप सभी को लिए इसमें बता रहे हैं। तो अगर जब अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो राज थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।